दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छे यूनिक टिप्स ट्रिक और हैक, जो कि आप लोगों के ढेर सारे पैसे भी बचेंगे और जो कबाड़ है उससे आपका घर का कोई अच्छा काम हो जाएगा। तो टिप्स अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि हमारे घरों में, सबके घरों में मेडिसिन आती है, कुछ मेडिसिन क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, लेकिन ये एक्सपायर होने के बावजूद भी हमारे बहुत काम आती है, उसको मैं बताऊंगी आगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये चॉकलेट का रैपर है और इसमें एक टुकड़ा चॉकलेट है। तो आज मैं इस चॉकलेट से आपको घर के जो कीड़े मकोड़े या कॉकरोच कुछ भी होते हैं ना, उनको किस तरह भगाया जा सकता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट का टुकड़ा ले लिया है, इसमें कटोरी में रख दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो एक्सपायर ये मेडिसिन है, इसको मैं एक दो गोली जितना भी आप हो सके ले लें, मैं ले लूँगी और इसको इसमें रख दूँगी। उसके बाद दोस्तों, मैं इसमें डाल दूंगी 2-3 चम्मच आटा। तो पहले मैं इसको पीस दूंगी, पीसने के बाद मैं इसमें आटा डाल दूंगी और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, जितना भी आप ज़्यादा गोली बनाना चाहते हैं तो आप आटा ज़्यादा ले सकते हैं और जो मेडिसिन है उसको भी ज़्यादा ले सकते हैं, और चॉकलेट भी। दोस्तों, चॉकलेट मैंने इसमें इसलिए डाला है कि कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कॉकरोच होते हैं, वो मीठी चीज़ों पे सबसे पहले आते हैं और चॉकलेट की जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है, उनको अच्छी लगती है, उसको खाने के लिए वो सबसे पहले आएंगे। और उसके बाद जो हमारी जो मेडिसिन होती है, जो कि इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, दवाई का काम करती है, वही जो एक्सपायर मेडिसिन होती है वो कीड़े मकोड़ों के लिए जहर का काम करती है। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि जो भी अब घर में कीड़े मकोड़े आते हैं दोस्तों, उनको भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो, हम उनको नहीं भगाएंगे तो वो हमारे खाने से लेके बहुत सारी चीज़ों पे अपना मुंह लगा देंगे और हमें लोगों को बीमार कर देंगे। तो हमें अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह मैंने आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना दी है यहाँ पे, और इन गोलियों को मैं जहाँ, जैसे कि गैस चूल्हे के नीचे, सिलेंडर के पास और सिंक के नाली के सामने, वॉश बेसन में, जहाँ भी से भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच आते हैं वहाँ पे मैं इनको रख दूंगी, जिससे कि वो इसको खाएंगे और भाग जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों, इस तरह क्या होगा कि घर में जो हो और जहर वाली चीज़ें नहीं होंगी और किसी को कुछ नुकसान भी नहीं होगा घर के मेंबर को। नंबर जो दूसरा, जो मेरा अगला टिप्स है दोस्तों, जैसे क्या होता है, कितनी बार हम बर्तन धोते हैं, अचानक हमारे घर में कोई आ जाता है, हमें जल्दी से चाय बनानी होती है, कॉफ़ी बनानी होती है, और हमारे बर्तन रहते हैं गीले, और गीले बर्तनों को यदि हम गैस चूल्हे के ऊपर या इंडक्शन के ऊपर रखेंगे तो हमारा गैस चूल्हा भी ख़राब होता है, इंडक्शन भी ख़राब होता है और बर्तन भी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले, जैसे आप चाय या कॉफ़ी कुछ बना रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, तो पहले इसको पोंछ लिया करें अच्छे से। जो हमारे किचनों में तो कुछ ना कुछ टाउल होता ही है, हम कपड़े रखते ही हैं किचन में, तो उससे इसको अच्छे से पोंछ लें और उसके बाद ही गैस चूल्हे के ऊपर या आप इंडक्शन के ऊपर इसको रखें। तो इससे क्या होगा, आपकी गैस भी ख़राब नहीं होगी, नहीं तो क्या होता है, गैस जब हम जलाते हैं गीले बर्तनों के नीचे वो काला काला कर देता है।
अगली जो मेरी टिप्स है दोस्तों, जैसे कि हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं उसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं और टमाटर प्याज लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है कि हमें जल्दी किचन में हम लेडीज़ों के लिए बहुत सारे काम होते हैं, कभी बच्चों के लिए जल्दी खाना बनाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने इसको उबाल दिया है और इसको उबालने के बाद मुझे जल्दी से ही मसाला तैयार करना था, तो किस तरह मैं इस गर्म को ठंडा करूँगी, तो सबसे पहले मैंने जो इसके अंदर जो गर्म पानी था उबालते हुए वो मैंने अलग निकाल दिया, इसको भी मैं अपने जो ग्रेवी बनाऊँगी उसमें यूज करूँगी, फेंकूँगी नहीं, क्योंकि ये टमाटर प्याज का पानी है, लहसुन भी है, अदरक का जो मिर्च हम सब डाल के उबालते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1-2 क्यूब आइस की डाल दी है, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि आइस दिखने में तो बड़ा लगता है लेकिन इसमें पानी बहुत कम निकलता है, तो ये जल्दी से इसको ठंडा कर देगा और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी, तो मेरा काम जल्दी से हो जाएगा और ये 2-3 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। पंखे के नीचे रखने में काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद मैं इसको 2-3 मिनट के अंदर ही ये ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी और जो इसका पानी बाकी बच गया है दोस्तों इसको भी मैं अलग रख दूंगी, मिक्सर जार में नहीं डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। और लहसुन प्याज टमाटर आपको पता ही है कि पहले से ही पानी छोड़ते हैं, किसी भी चीज़ में बनाएंगे तो इस ये पानी छोड़ते हैं, तो इसमें पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी कटोरी में मैंने पानी ढका के रखा था इसको मैं इसके साथ मिला दूंगी, जब भी मैं मसाला बनाऊंगी किसी चीज़ का भी उसमें मैं इसको डाल दूंगी, तो इस तरह मेरी चीज़ें बच भी जाएंगी और काम भी आएंगी और ये चीज़ें जो ख़राब भी नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज जो भी है वो सारा पीस दिया है और इसके बाद ये यहाँ पर गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। तो दोस्तों जो पानी था ना मैंने जी इसमें जो टमाटर प्याज लहसुन का पेस्ट था वो सब्जी की मतलब ग्रेवी बनाने में यूज कर दिया है, तो अब मैंने जो पानी था उसको मैं इससे मिक्सर जार छाल के इसको मैं सब्जी में डाल दूंगी। आप जो भी सब्जी बना रहे होंगे, आलू की सब्जी किसी भी चीज़ की सब्जी आप बना रहे होंगे, तो इस तरह आप इसको छाल के इसके अंदर डाल सकते हैं और आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। तो आपको कैसा लगा मेरा ये टिप्स ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगला जो मेरा जो टिप्स है वो है मेडिसिन लेके, आप मेडिसिन कोई भी हो आप इस तरह सिंक में डाल के इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका पैसा बचेगा और जो चीज़ आपकी ख़राब होने वाली होती है वो ठीक हो जाएगी, उससे आपके घर में कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मेडिसिन की जो एक्सपायर हो गई थी उसकी 2 गोली ले ली है और यहाँ पे रात को जब बर्तन धोए ना मैंने रात को, उसके बाद मैंने वो गोली लेने के बाद गर्म पानी किया था मैंने, वो मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। तो दोस्तों रात भर ये क्या हो जाएगा, पिघलता रहेगा और आपके सिंक में कोई भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच नहीं आएंगे। और अगले दिन सुबह दोस्तों ये इस तरह हो गया था, तो इस तरह मैंने मेडिसिन को भी काम में ले लिया है और मेरे घर में कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तब आपको ढकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह आप पानी से इसको नीचे बहा सकते हैं और ये नाली भी साफ कर देगा। तो आपको कैसा लगा आपका आज का टिप्स ट्रिक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।